2005 में हमने कैंसर पे ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जगह जगह से मरीज आते थे, कुछ मरीज बड़ी परेशानी लेके आते थे, फुल ब्लोन डिजीज लेके आते थे, यानी कि पेट में पानी है और ट्यूमर इतना बड़ा है, जगह जगह फैला हुआ है, 14-15 जगहों पे मतलब है, पेट सीटी करा रहे हैं तो टेस्ट ये बता रहा है, मतलब इतनी। अब आप सोचिए उन मरीज से बात करना, उनको ट्रीट करना, उनको कैसे होप दिलाएं इतनी परेशानी में जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज इतना ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इस पर काम तो कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे समहाउ ये स्ट्राइक करने लगा कि वाई आर वी सो हेल्पलेस इन दिस डिजीज, और हम क्या कर सकते हैं कि हेल्पलेसनेस कम हो। तो मैंने जो है अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कैंसर प्रिवेंशन पे स्टार्ट करी। मुझे ऐसा लगा कि क्या ये बीमारी प्रिवेंटेबल नहीं है, आई मीन कैन वी नॉट जस्ट प्रिवेंट इट, आई मीन अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर इसको हटा दें तो भी तो कैंसर होते हैं, क्योंकि सब तो स्मोकर्स नहीं होते हैं जिन्हें कैंसर होता है। एक लेडी जो हाउस वाइफ है जो ओवेरियन कैंसर के साथ आ रही है, उसने तो स्मोक ड्रिंक कराई नहीं है कभी, राइट? तो व्हाट्स गिविंग राइज टू दीज कैंसर्स। ऑल्सो एक यंग 24 साल का लड़का, उसको लंग कैंसर था मुझे याद है, मल्टीपल जगहों पे वो कैंसर फैल गया, और वो आके पूछता था, इंजीनियरिंग कर रहा था वो, कि बड़े अच्छे IIT से कर रहा था, कहने लगा कि वो मैं बचूंगा कि नहीं, हमेशा आके पूछता था, मैडम मैं बचूंगा कि नहीं, फ़ायदा हो रहा था उसको, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आपको पता है कैंसर कभी कभी इतनी एग्रेसिव फॉर्म ले लेता है, सडनली इट टर्न्स द टेबल, और वो एग्रेसिव इस फॉर्म में आया कि वो बच्चा बचा ही नहीं। मुझे बहुत रोना आया उस दिन, मैं बहुत फूट फूट के रोई रात में, जिस दिन मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई। और मैंने कैंसर प्रिवेंशन पे काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने WHO की बुक मंगवाई, वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट होती है, WHO रिलीज करता है, जिनेवा से बुक आई, और मैंने पढ़ना शुरू किया ये कैंसर को प्रिवेंट कैसे करें, हाउ कैन वी मेक दिस डिजीज प्रिवेंटेबल, और क्यों हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि हम कैंसर के ऊपर बात नहीं करते हैं। हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी हैं, जैसे कि पावर्टी भी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा बड़े बड़े इश्यूज हैं, करप्शन से डील करना है, कैंसर तो बहुत बाद में आती है ना। फिर इन्फेक्शन बीमारियों के कंटेक्स्ट में देखें तो इन्फेक्शस डिजीजेज ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ बहुत है, हार्ट डिजीज़ बहुत है। तो जब ये पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं जो कि ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, तो फिर कैंसर जो है टेक्स अ बैक सीट, जबकि कैंसर एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है हमारे कंट्री में, लेकिन लोग इस पर बात बहुत कम कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, स्मॉल NGOs हैं जो इस पर बात करते हैं, अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं, और बहुत कम अवेयरनेस है इस पर हमको। तो मैंने जब कैंसर प्रिवेंशन का टॉपिक अपने जब मैंने स्टार्ट किया, और स्पेशली मैंने आपको बताया मैं दुबई में थी 2014 से 2018, उस फेज में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर प्रिवेंशन पर अपनी रिसर्च कंटिन्यूड रखी, और मोर एंड मोर अपने आप को एजुकेट किया कि क्या वजह है कि कैंसर क्यों होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो एक तो कैंसर प्रिवेंशन एक चीज़ है जो मैं आपको भी बताती हूँ, दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस जान बचा देती है, अर्ली डायग्नोसिस में वो सारी सफरिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, कॉस्ट भी पेशेंट की कम हो जाती है, जल्दी डायग्नोसिस से जल्दी ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कॉस्ट कम हो गई, मरीज को टॉक्सिक ट्रीटमेंट्स नहीं लेने पड़ रहे, और साथ में उसको इतना हॉस्पिटल इंस्टे नहीं करना पड़ रहा, उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे जिसके लिए वो मैनेजमेंट हो कि वो ICU में एडमिट हो और ये और वो, प्लस ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी से पेशेंट को भी बेनिफिट हो रहा है, कम टॉक्सिसिटी है, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए, और शुरुआती स्टेज में ही कैंसर को पकड़ के ख़त्म कर दो, हिस्सा ख़त्म। हमारे मुल्क में क्या होता है, शुरुआती स्टेज में भी अगर पकड़ा जाता है तो मरीज जड़ी बूटियाँ लेने लगते हैं, लोकल इलाज करने लगते हैं, इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं, और क्या होता है कि बीमारी बढ़ती चली जाती है, और क्योंकि उनको इतना फियर भी है इस बीमारी से तो वो एक तरह से टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराते। तो पहले तो मरीज को जल्दी बीमारी आती ही नहीं है पकड़ में, ज़्यादातर मरीज वही है। मेरे को मैंने जितने केसेस सुने हैं या जितने हमारे नोन में किसी को अगर कैंसर हुआ है तो वो हमेशा जाके स्टेज 4 या स्टेज 5 पर ही पता चलता है। तो ऐसा क्यों है कि क्यों हम उसको पहले डायग्नोस नहीं कर सकते, या पता ही नहीं चलता बॉडी को कि कुछ ऐसा है आपकी बॉडी में? क्योंकि कैंसर में 4 स्टेजेस होती है, 1, 2, 3 and 4। फोर्थ स्टेज जो है वो मेटास्टैटिक स्टेज है, जिसमें कैंसर जो है प्रोग्रेस करके दूसरे ऑर्गन्स में जाके या तो लोकल इन्वेजन करता है या फिर डिस्टेंट इन्वेजन करता है, यानी कि सेल्स जो है दूसरी जगह जाके मेटास्टिसाइज करने लगते हैं। करेक्ट जी।
तो फोर स्टेजेस हैं। स्टेज वन और टू की जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं होता है, वो इसकी प्राइमरी वजह ये है, एक तो इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस। कोई ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स नहीं है जहाँ पर हम जनरल पब्लिक को एजुकेट करें कैंसर को हम जल्दी कैसे पकड़ें। कुछ वार्निंग साइंस और सिम्टम्स होते हैं लेकिन हम लोग क्योंकि इग्नोरेंस है, हमें जब कुछ पता ही नहीं है तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे। तो एक तो वार्निंग साइंस और सिम्टम्स की नॉलेज नहीं है, दूसरा रिस्क बिहेवियर्स का नहीं एहसास है, हमारी रिस्क किस चीज़ से बढ़ रही है। लोग कैंसर की डायग्नोसिस के बाद भी स्मोकिंग करते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, नहीं छोड़ पाते। कुछ लोग फौरन छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते। रिस्की बिहेवियर्स क्या है हमारे, कैंसर नहीं हुआ है तब भी रिस्की बिहेवियर्स क्या है, यू नो हाउ आर वी इंक्रीजिंग अवर रिस्क। रिस्क क्या होती है, रिस्क ये होती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता है कि आप एक सर्टन स्पीड से ज़्यादा जाएंगे, 180 पे जाएंगे, 150 पे जाएंगे, तो आपकी रिस्क एक्सीडेंट की बढ़ जाती है। तो एक तो सेफ प्ले कर रहे हैं आप, गाड़ी तो चला रहे हैं आप, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर आपको मालूम है कि ज़रूरी नहीं आपको उस फेज में कि आपको हाँ एक्सीडेंट हो जी, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिस्क बढ़ जाती है, राइट। इसी तरह से जब हम कैंसर में, हमें नहीं पता किस चीज़ से कैंसर हो सकता है, नहीं होता है, कौन कौन से फैक्टर, क्योंकि कैंसर बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है, एक मल्टीपल फैक्टर्स एट वर्क है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है ऑफ सेवरल फैक्टर्स, इट्स नॉट द सेम एज एनी अदर डिजीज। तो कैंसर जब इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, अपना रिस्की बिहेवियर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं जी। ये दो चीज़ें हैं जो हमको आना चाहिए, कैंसर प्रिवेंशन भी पता होना चाहिए। देखिए कैंसर पे मैंने आपसे कहा बात नहीं हो रही है, जबकि कैंसर पे बात होनी चाहिए, ये एक ड्राइंग रूम टॉक भी हो सकता है। लोग इसको हशिश वर्ड्स में यूज़ करते हैं, सी वर्ड की तरह कहते हैं, तुम्हें पता है उसको सी हो गया, अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, इतने ज़्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है इस बीमारी से। मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। क्या हम कुछ समझ सकते हैं, क्या मिथ्स हैं इसके अराउंड में? देखिए सबसे पहले तो इस पे एक तो फियर इतना ज्यादा है, जबकि कैंसर जो है उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी बहुत अच्छे हो गए, जल्दी पता चल जाता है कैंसर, और ट्रीटमेंट्स बहुत इम्प्रूव कर गए ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो फिनोमिनल इंक्रीज है कैंसर ट्रीटमेंट्स में, फिनोमिनल इंक्रीज है इन द क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट्स एंड हाउ वी हैव वी आर नाउ डीलिंग विद पेशेंट्स। पेशेंट्स की मिनिमल उनको डैमेज हो, कोलैटरल डैमेज नहीं हो, मिनिमल जो है उनको तकलीफ हो, लेकिन इसकी शर्त है कि आप जल्दी कैंसर पकड़ेंगे तब होगा ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल, देर से पकड़ेंगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहला तो फियर ही सबसे बड़ा है, जीमित है कि उसको हटाना है हमको सोसाइटी से, लोगों के दिमाग से फियर हटाना है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, बहुत से लोग को पता चल जाता है उन्हें कुछ ये प्रॉब्लम हो रही है, गांठ हो रही है, ये कैंसर तो नहीं, उन्हें एहसास हो रहा है पेट में तकलीफ है या, लेकिन वो जाते नहीं है डॉक्टर, डर के मारे कैंसर नहीं निकला है कहीं,